अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दवाओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे भी गर्मी शुरू हो गई है। और दिस वीकेंड पे जब हमने वेकेशन पे जाना है और ईद भी है, और उसी टाइम में इतना गर्म हो गया है। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि प्लीज़ अल्लाह मियाँ जी थोड़ा सा ठंडा कर दें वेदर, ताकि हम अच्छे से अपने कपड़े, अपनी ये कुर्बानी, ये सारी चीज़ें सब लोग अच्छे से इंजॉय कर सकें और उनका डे बहुत अच्छा, खूबसूरत और मज़े का गुजरे। तो आज मुझे भी बहुत सारे काम हैं। और आप कहते होंगे कि यहाँ पे वॉक करते करते ये हमें पूरा अपना एरिया दिखाती जा रही है, क्या करूँ, बस आदत सी बन गई है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों से, और मुझे आपके कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत जौन सा है, दिल को खुशी मिलती है जब आप लोग कहते हैं कि ग्रेट जॉब। एंड कुछ लोग जौन से हैं मेरी वीडियो को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत उससे हौसला होता है और मुझे अच्छा लगता है। दिल ऐसे जैसे खुश हो जाता है और आपको मोर काम करने में मोर मज़ा आता है। तो आज बहुत सारे काम हैं, मैंने कुछ खाने बना के लेके जाने हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 20 पीपल हैं जिन लोगों ने जाना है वहाँ पे। तो चले चलते हैं, क्या क्या होता है, क्या करते हैं, आप सबसे शेयर करते हैं। हाँ जी, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ। कुछ ना ब्रेड थी मेरे पास, जो टॉप और बॉटम उनके होते हैं। ओ माई गॉड, मेरे पैर जल गए, शूट, कसम खुदा से यूं लग रहा है जैसे तवे पे मैंने पैर रख लिए, इतनी सख्त गर्मी है। I'm hot, hot, hot today. तो ये कुछ ब्रेड के टुकड़े हैं, वो मैं जो ऊपर और नीचे वाले, आपको पता ही है, पता नहीं क्यों हम लोग क्यों नहीं खाते वो ब्रेड के पीसेस। तो ये ब्रेड के पीसेस हैं, तो मैं उनको यूं ऐसे छोटे छोटे करके वेस्ट नहीं करती, ट्रैश में नहीं फेंकती, रिज़्क है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे ना डाल दूँ, कुछ चिड़ियाँ वगैरह खा जाएंगी, कुछ जो भी यहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं वो चूंटियाँ कुछ ले जाएंगी। तो ये मैं सारे ब्रेड के पीसेस इधर डालने आई थी। और मज़े की आपको बात बताऊँ कि यहाँ पे जो यहाँ की जो बर्ड्स हैं ना, वो पता नहीं क्यों नहीं खाती ये सब जो हम खाना फेंकते हैं बाहर, जैसे लेफ़्ट ओवर राइस हो गए, या मोस्टली राइस ही होते हैं और मैं डाल देती थी बाहर। तो और वो मैंने देखा है दो दो तीन तीन दिन तक पड़े रहते हैं, कोई नहीं लेके जाता। यहाँ की बर्ड्स बड़ी बड़ी, क्या कह सकते हैं उनको, पिकी हैं। वो वही सीड्स खाती हैं जो यहाँ पे बाज़ार में उन्होंने उनके लिए एक्सपेंसिव वाले पैकेट्स बना के रखे हुए होते हैं। तो ये मैं बर्ड्स के लिए मैंने डाल दिया है। और वो दूसरी में भी कोई चिड़िया विड़िया, कोई कौवे वगैरह खा ले हों। और हमारे पाकिस्तान के जो सारी परिंदे हैं वो तो जो भी डालो वो खा लेते हैं, खाना घर का हो, पुरानी रोटियां हो, कुछ भी हो। और यहाँ की तो बहुत ही नखरे हैं उनके, वो बिल्कुल नहीं खाती। और बट मैंने कल परसों भी ब्रेड डाली थी, तो ब्रेड ही बचती है, रोटी तो मैंने कभी नहीं बचाती, वो उतनी बनाते हैं जितनी हमें चाहिए होती है। तो ये मैंने ब्रेड डाली है। चले चलते हैं अंदर, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो बाकी अपने काम, जो हमने वेकेशन पे जाना है उसकी पैकिंग वैकिंग, जो कुकिंग करनी है वो सारी चीज। A few inches later. गाइस, मैंने खाने में, हम पूरी फैमिली ने ना डिवाइड कर ली है सारी चीज़ें, कि किसने खाना कब देना है, किसने ब्रेकफास्ट कब देना है, व्हाटएवर जो भी है। तो मेरे हिस्से में ब्रेकफास्ट आया है, तो ब्रेकफास्ट में मैं हलवा पूरी एंड देन पाए और नान और पाए। तो मज़ा आया, ये मेरा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का मेन्यू है वो है। और साथ मैंने लस्सी बनानी है, और लस्सी के लिए मैंने जौन सा है ना वो दही खुद बनाना है घर में, क्योंकि बाज़ार के दही तो मुझे हम काफ़ी देर से मैंने छोड़ दिए हैं, और मैं नहीं चाहती कि मैं बाकियों को भी वो चीज़ दूँ जो मैं ख़ुद नहीं खाती। तो इसलिए मैंने घर से दही बनाना है। दही मैं इसमें मैंगो लस्सी बनाऊँगी एंड देन नमकीन लस्सी बनाऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। हाँ जी गाइस, मैंने जौन सा है ना वो योगर्ट जब मैं बनाती हूँ, तो उसको टावल को मैं पहले से थोड़ा माइक्रोवेव कर लेती हूँ, ताकि वो ज़रा हीट अप हो जाए। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ।
ये मेरी पैंट्री है तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी दही रख दिया, उसके नीचे ही मैंने टॉवल रखा है ताकि हीट हो, हालांकि है तो गर्मी है पर हमारे घर अंदर से ज़रा ठंडे होते हैं, टेम्परेचर थोड़ा कूल साइड पे होता है तो इसलिए उसको वार्म जगह पे रखना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हैं। ये मैंने उसको लपेट के रख दिया है तो ये 5-6 घंटे में बन जाएगा। अपनी फ़ोन पे या किसी जगह पे भी क्लॉक पे आप जौन से हैं ना उसका टाइमर लगा लें एंड देन मुझे बताइएगा कि आप कमेंट्स में कैसे योगर्ट बनाते हैं। पुराने ज़माने में तो यूं ही किया करते थे, बर्तन के नीचे भी कुछ कपड़े रख के ऊपर भी रख के तो अच्छे से उसको एक जगह पे सुला देते थे और दही बहुत मज़े का बनता था। और बाकी मुझे पता नहीं बाकी क्या मेथड्स हैं, शॉप वाले कैसे क्या करते हैं। रेडीमेड का तो मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें प्रोसेस्ड होती हैं और वो मशीन के थ्रू उसको हीट अप करते हैं और सारा कुछ। तो चले चलते हैं आगे फिर अपने पायों को। A few inches later. फ्रूट भी मैंने लेके जाना है, फ्रूट भी मेरे हिस्से में आया है तो मैंने मैंगोज ऑलमोस्ट वीक हो गया है और ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं अब तो। बहुत मज़े के मीठे मैंगोज़ हैं, खुशबू तो वैसी नहीं है जैसी पाकिस्तान में होती हैं, बहरहाल हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं। हम तो क्या कर सकते हैं, ये मेक्सिको के हैं मैंगोज़ तो अच्छे हैं, मज़े के हैं और रेडी हो गए हैं अब। मज़ेदार खाएंगे और मज़े करेंगे। हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा अपना ईद का माहौल बना लें, थोड़ा मसाज मसूज करा लें, कोई नेल पॉलिश लगवा लें। Hi honey, what you need today? इसलिए मैं सलून आई थी तो अब ये मेरे पैरों को मसाज कर रही है, स्क्रब कर रही है। तो चलो दम होता है तो फिर बताती हूँ नेल पॉलिश कैसी लगती है क्या होता है। नेल्स हो गए हैं डन। हाँ जी गाइस, मैं बाहर के काम सारे करके अब मैं घर आई हूँ और मैं तो थक गई भाई साहब। घर में मैंने जौन सा है, मुझे बहुत भूख लग रही थी, अब ऑलमोस्ट शाम होने को है। मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा खाना वाना खाती हूँ, वीडियो को क्लोज करती हूँ। मेरे बहुत सारे काम बचे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा क्या है कैसे है, मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूँगी क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ अभी, मुझे बहुत कुछ और भी करने हैं काम, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, एडिट करनी होती है, सो मेनी थिंग्स टू डू। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले चंद खूबसूरत बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ, आई होप आपको ये अच्छी लगें। रोटी होगी ब्रेड ताकत कहाँ से आए, फूल होगे प्लास्टिक के खुशबू कहाँ से आए, स्टूडेंट होगे ट्यूशन के इलम कहाँ से आए, खाना हो गया होटल का तंदुरुस्ती कहाँ से आए, प्रोग्राम हो गए केबल के तहजीब कहाँ से आए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खाना खाते खाते मुझे उठ के आना पड़ा क्योंकि मैंने ऊपर पाए जौन से हैं वो चढ़ाए हुए हैं पकने के लिए, तो वो अभी स्टिल पक रहे हैं तो इसी को मैं साफ करते करते मेरा हाथ जल गया था साइड पे। और मैंने आपसे ये पूछना था जो मैं बात कर रही थी, आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में अफेक्ट कर चुकी हैं या अभी कुछ लोगों के साथ अभी स्टिल सेम है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल थोड़ा सा इस तरह का हो चुका हुआ है जो मैंने आपसे सब चीज़ें बातें शेयर की हैं। आई होप आपको मेरी सब बातें अच्छी लगी होंगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट और खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, सी यू। नहीं नहीं सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए।